एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मणिशंकर सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट्स, अब फंक्शन की लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा एक दो आर्टिकल्स बचा हुआ है, एक दो सब पॉइंट्स बचा हुआ है स्टूडेंट्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बचा हुआ है, तो उसको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो हमारा आज का पॉइंट्स होगा कंपोजिट फंक्शन। यानी क्या पॉइंट्स हमारा होगा स्टूडेंट्स, तो हम जो लेके चलेंगे वो होगा कंपोजिट फंक्शन, राइट है ना स्टूडेंट्स। यानी यहाँ से देखना है कि हम लोग एक कुछ नया पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले क्या पढ़ चुके हैं बेटा, कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एल एन साइन एक्स है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट्स, तो मान सकते हो कि लेट एक फंक्शन रहा होगा, है ना, जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स रहा होगा। क्या रहा होगा स्टूडेंट्स, एल एन एक्स रहा होगा, और एच एक्स इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स क्या रहा होगा, दिस। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट, जी ऑफ एच एक्स तो क्या मिलेगा, एल एन साइन एक्स। यानी ये हम कंपोजिट की कुछ बातें जो था स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ न्यू चीज नहीं है, बस दो तीन प्रॉपर्टीज इसका पढ़ेंगे, कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, ध्यान देना स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन दो दो और दो से ज्यादा फंक्शन के लिए भी कंपोजिट हो सकता है, तीन फंक्शन का भी कंपोजिशन कर सकते हो, चार का भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। तो यहां से हमारा जो आज का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। क्या है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन। यानी बहुत सारे फंक्शन ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले से ही कि कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आप आते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो यहां से देखना है स्टूडेंट्स कि कंपोजिट फंक्शन पहले होता क्या है। तो ले लीजिए स्टूडेंट्स की लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, टू फंक्शंस, देन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स आर नोन एज, नोन एज देयर कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन। यहां से देखना स्टूडेंट्स कि अपने पास है ना कि दो फंक्शन है, दोनों को एक दूसरे में पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं, उससे जो फंक्शन बन रहा है स्टूडेंट्स उसका नाम कंपोजिट फंक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन। यहां से ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि दीज आर कॉमनली, है ना, कॉमनली क्या लिखते हैं स्टूडेंट कि दीज आर कॉमनली नोन एज, नोन एज फॉग एंड गॉफ। यानी इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉमनली फॉग और गॉफ बोलते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट्स था स्टूडेंट्स की कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं, राइट। तो इसको स्टूडेंट कॉमनली क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं और इसको कॉप बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो दो फंक्शन है, दो को एक दूसरे में अगर पास करवा रहे हैं, उससे जो फंक्शन बन रहा है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन, दैट्स, है ना। यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा
एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि लेट है ना, एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं स्टूडेंट रूट एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर स्टूडेंट्स। देन फाइंड फॉग है ना एंड गॉफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से हमारा देखना स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉग लिख रहे हो, दैट मीन्स स्टूडेंट यहां फॉग जी एक्स है ना। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या कीजिए कि देखिए कि अपने पास क्या है, एफ एक्स में जी एक्स को पास करवाना है यानी रूट जी एक्स। अब यहां स्टूडेंट जी एक्स का वैल्यू क्या है तो साइन एक्स। यहां से स्टूडेंट डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ साइन एक्स तो इक्वल टू रूट साइन एक्स। क्या समझना स्टूडेंट्स कि अगर यहां एक्स है तो ये एक्स हुआ, यहां अगर स्टूडेंट टी होता तो यहां भी टी होता, अगर यहां स्टूडेंट एम तो ए एम होता, अगर यहां पे इंडिया है तो यहां भी क्या होगा स्टूडेंट इंडिया। तो जस्ट लाइक यहां पे देखना स्टूडेंट फॉग दैट मींस क्या है कि यहां पे एफ एक्स में जी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट कि एफ एक्स क्या है तो रूट एक्स, रूट एक्स, एक्स के जगह पे क्या रखे स्टूडेंट जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट जी एक्स वैल्यू क्या है, जी एक्स फंक्शन क्या है तो साइन एक्स, यानी फॉग क्या होगा स्टूडेंट्स तो रूट साइन एक्स। दूसरे केस में चलते हैं स्टूडेंट्स गॉफ के पास, तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स कि जी ऑफ एफ एक्स दैट मीन्स यहां से देखना है कि अपने पास क्या पास करवा देना है स्टूडेंट्स। तो देखिए साइन एक्स है, आपको साइन में क्या पास करवाना है तो रूट एक्स है ना, या साइन रूट एक्स है ना, यानी यहां से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि रूट एक्स पास करवा दिए और रूट एक्स दैट मीन्स साइन रूट एक्स, क्या हो गया स्टूडेंट्स तो रूट एक्स, ठीक है। यानी अपने पास स्टूडेंट्स क्या कर दिए कि डेफिनेशन ऑफ है ना जी एक्स को सब्स्टिट्यूट फॉग में किए और गॉफ में क्या किया स्टूडेंट जी डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट किए। तो ये हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट्स फॉग और गॉफ निकल गया, राइट। अब इसी तरह से स्टूडेंट तीन फंक्शन का अगर देता है अपने पास तो वो भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स है ना, नोट डाउन। इसी क्वेश्चन में हमारा बन जाता है स्टूडेंट्स कि जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू मान लीजिए मोड एक्स बना देते हैं। अब यहां से स्टूडेंट देन निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच, राइट स्टूडेंट्स है ना, यानी अपने पास ये हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए कि क्या करेंगे डियर, तो अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स ये भी लिख सकते हैं। यहां पे देखिए कि सबसे पहले आप अच्छे से समझना बेसिक क्लियर करना, तो जी ऑफ एच एक्स निकाल दीजिए, क्या कीजिए स्टूडेंट्स तो जी ऑफ एच एक्स निकाल लीजिए, चलिए जी एच एक्स निकाल लेते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अपने पास क्या निकाल लोगे कि साइन ऑफ मोड एक्स है ना स्टूडेंट्स, यहां पे एच एक्स का वैल्यू क्या है तो मोड एक्स पुट कर दिए। अब यहां से स्टूडेंट रख सकते हो कि एफ ऑफ साइन मोड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देख लीजिएगा कि रूट साइन ऑफ मोड एक्स। तो ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन निकाल दिए, ये क्या किया स्टूडेंट्स तो थ्री फंक्शन का हमने क्या किया कंपोजिशन निकाल दिया, क्या कर दिया स्टूडेंट तो थ्री फंक्शन का। इसी तरह से स्टूडेंट जी ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स निकालने के लिए बोला, तो
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। यहां से देखना स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, यहां से लेते हैं स्टूडेंट्स कि लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट, या इस तरह से ले लीजिए स्टूडेंट्स कि जी सच दैट ए टू बी और एफ सच दैट सी टू डी। क्या ले लिए स्टूडेंट्स? ये दो फंक्शन ले लिए है ना, ए टू बी एंड सी टू डी। यहां से लिखेंगे स्टूडेंट विद द टू फंक्शन, टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देना कि देन एफ ऑफ गॉफ सच दैट ए टू डी। इसका मतलब समझना स्टूडेंट्स कि ये अपने पास एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन हो गया। क्या है स्टूडेंट्स? और ए कोडोमेन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो कोडोमेन। अब इस बात को समझना है स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या है, तो इस तरह से ले लेते हैं हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ है ना, पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होता है। राइट, इस तरह से हो गया स्टूडेंट्स हमारा है ना दिस वन। देखना स्टूडेंट्स कि दिस वन ए बी सी एंड डी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ए जो फंक्शन अपने पास है वो जी एक्स है, और ए जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो एफ एक्स है ना। यानी ये अपने पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या है, तो जी एक्स फंक्शन हो गया, और ए फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स एफ एक्स। तो ध्यान देना है कि जो यहां पे जो जी एक्स का है ना, जो जी एक्स का जो रेंज होगा, क्या समझना स्टूडेंट, जो जी एक्स का रेंज होगा है ना, जो अपने पास देखना है स्टूडेंट्स की है ना, जो जी एक्स का रेंज होगा स्टूडेंट्स वो एफ एक्स के डोमेन का अगर सबसेट हो रहा है, तब यहां पे फंक्शन फॉग क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जो जी एक्स का रेंज हो रहा है, जो जी एक्स का यहां पे रेंज हो रहा है वो एफ एक्स के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? सबसेट होना चाहिए, और उस सबसेट का फिर जो एफ एक्स का रेंज होगा स्टूडेंट वही फाइनल फॉग का क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? तो कोडोमेन होगा। इसी तरह से अगर बोलते हो स्टूडेंट्स कि जी ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं हम, जी ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं, तो जो एफ एक्स का है ना, जो एफ एक्स का रेंज होगा वो जी एक्स के डोमेन का अगर सबसेट हो रहा है तो वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अपने पास क्या देख रहे हैं, तो यहां से देखिए कि एफ ऑफ जी एक्स सच दैट ए टू डी, दैट मींस क्या हो गया स्टूडेंट्स, डोमेन तो अपना यही हो गया है ना, डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट, ये जी एक्स का जो रेंज आ रहा है वो इसका सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? सबसेट होना चाहिए, जो कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्लियर किया था स्टूडेंट्स कि अपना जो फंक्शन था, यहां से देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स, या चलिए मान लेते हैं है ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था,
और जीएक्स स्टूडेंट्स कितना था? रूट एक्स, है ना। तो इसका डोमेन आप देखिए, इसका रेंज माइनस वन टू वन आ रहा था, तो माइनस वन टू वन जब करोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या अनडिफाइंड होगा, इसीलिए इसमें डोमेन वो सारा लेना है जिसके लिए रिजल्ट इसका पॉजिटिव आएगा और वही पॉजिटिव इसका डोमेन बनेगा और इसको डिफाइन करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना, नोट्स कीजिएगा, है ना। यानी अब यहां से देखोगे स्टूडेंट्स तो ये फंक्शन क्या बन रहा है, यानी अपने पास इस फंक्शन का नाम एफ ऑफ जी एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फॉर, है ना। यानी स्टूडेंट्स हमारा ये था दिस वन जी एक्स ए टू बी एंड दिस वन स्टूडेंट्स अपने पास क्या था सी टू डी। अब यहां से देखना स्टूडेंट्स ये सबसेट इसका जो रेंज होगा वो इसका सबसेट होना चाहिए, तो यहां से जो ये फंक्शन बनेगा स्टूडेंट्स इसी फंक्शन का नाम क्या बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी एक्स। जो प्रॉपर्टीज को इस तरह से हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, है ना, नोट में हम लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझना है स्टूडेंट जो मैंने बोला वही लिखने वाला हूं कि इफ एफ ऑफ जी एक्स इज एग्जिस्ट, क्या लिखे स्टूडेंट्स, if f of gx is exist then range of gx must be subset of domain of, क्या लिखोगे स्टूडेंट, डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स, है ना। यानी यहां से देखिए स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि बेटा जो जी एक्स का रेंज हो रहा है वो एफ एक्स के डोमेन का सबसेट अगर है, है ना, एग्जिस्ट एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कब कर रहा है, तो यहां से समझिएगा अपने पास कि जो जी एक्स का रेंज है, जो जी एक्स का रेंज है वो एफ एक्स के डोमेन का सबसेट है, है ना। क्या होगा स्टूडेंट, मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या था कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो जो जी एक्स का डोमेन होगा, जो रेंज होगा वो सबसेट किसका होगा स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स के डोमेन का सबसेट होगा, राइट। एंड नोट का हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट्स का सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, नोट का सेकेंड पॉइंट हमारा है, ठीक है, इफ एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट देन, है ना, क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, देन इस डोमेन, देन इट्स डोमेन विल बी सेम एज जी एक्स एंड को डोमेन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, को डोमेन, को डोमेन विल बी सेम एज एफ एक्स। देखिए स्टूडेंट यहां से भी बता रहा है कि जो जी एक्स का डोमेन है वही एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन हो रहा है, जो को डोमेन एफ एक्स का है स्टूडेंट्स वही एफ ऑफ जी एक्स का को डोमेन है,
तो ये पॉइंट्स ध्यान से देना स्टूडेंट्स, इसी प्रॉपर्टीज पे आपका कंपोजिट फंक्शन पूरा स्ट्रांग होगा कि f of x exists then its domain will be same as gx, यानी जो f of gx का डोमेन होगा वही gx का डोमेन होगा और कोडोमेन जो fx का होगा है ना, एंड कोडोमेन विल बी सेम एज fx, कोडोमेन भी क्या होगा स्टूडेंट्स का सेम होगा, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट्स इस पे एक एग्जांपल हमारा है कि लेट द डोमेन ऑफ fx इज -1 to 1। अब यहां से पूछ रहा है बेटा देन फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए तो यहां से दिया हुआ स्टूडेंट्स अपने पास पहला क्वेश्चन है f of 2x minus 3, दूसरा स्टूडेंट्स है f of sin x, तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास ध्यान दीजिएगा, चलिए ले लेते हैं 2x plus 4 या 2x minus कुछ भी ले लीजिए स्टूडेंट, 2x minus 6 ले लीजिए। चौथा क्वेश्चन आप ले लीजिए स्टूडेंट्स f of this one प्लस f of है ना, तो देखना स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन f of 2x minus 3 यानी इसका डोमेन कहां से कहां लाइक कर रहा है स्टूडेंट, x का -1 to 1, दैट मींस स्टूडेंट दिस वन है ना। अब देखिए स्टूडेंट इसको ले आइए तो अपने पास क्या हो जाएगा है ना, कि अपने पास ले सकते हो स्टूडेंट्स, चलिए कि 2 less than equal to 2x less than equal to 4, यानी अपने पास 1 less than equal to x less than equal to क्या बोलोगे स्टूडेंट्स 2, यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट 1 to 2। कैसे हुआ स्टूडेंट्स, तो ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है -1 to 1 तक लाई कर रहा है, कहां से कहां तक लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, तो -1 to 2 लाई कर रहा है। फिर स्टूडेंट इसको देखिएगा इसका सॉल्यूशन कि f of sin x, तो sin x कहां से कहां तक लाई कर रहा है -1 to 1, तो देखिए स्टूडेंट्स तो ये सेटिस्फाई कब करता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन रियल नंबर, क्या हो गया स्टूडेंट्स रियल नंबर। अब हम थर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं स्टूडेंट्स, चलिए प्लस कर देते हैं ना, देखिए स्टूडेंट्स कि f of 2x plus 6 है, क्लियर, तो ले लीजिए -1 less than equal to 2x plus 6 less than equal to 1, दैट मींस स्टूडेंट -7 less than equal to 2x less than equal to, अपने पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स तो -5 है ना। अब देखिए स्टूडेंट -7/2 less than equal to x और less than equal to 5/2, यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन की बात की जाए स्टूडेंट्स तो क्या बोलोगे -7/2 to -5/2 है ना, तो ये मोस्ट ऑफ द इजी पार्ट होता है स्टूडेंट्स। यहां से एक बार फिर से ध्यान देना आपको कि अपने पास इसका डोमेन दिया हुआ है, दैट मींस x कहां से कहां तक लाई कर रहा है तो -1 to 1, कहां से कहां तक लाई कर रहा है -1 to 1, अगर ये t होता तो -1 to 1, अगर साइन होता तो -1 to 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्या है f of 2x minus 3, यानी 2x minus 3 भी कहां से कहां तक लाई करेगा -1 to 1। तो यहां से ध्यान देना है डियर कि अपने पास इस कंडीशन पे रख दिए तो 1 से 2 आ रहा है, यानी डोमेन 1 से 2। यहां पे देखिए स्टूडेंट साइन -2 1 to 1 किस कंडीशन x के किस वैल्यू के लिए, तो रियल नंबर पे,
यहां से देखिए स्टूडेंट, f ऑफ 2x प्लस 6, तो यहां से भी है ना, यानी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप जो डोमेन पहले निकालते थे, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, फॉर दिस केस है ना, तो ये 0 to 1 देता है स्टूडेंट्स, यानी इसके लिए क्या हो रहा है, रियल नंबर। और यहां से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, तो दोनों का कॉमन केस अगर लेते हो स्टूडेंट, -1 -2 2 है ना, इंटरसेक्शन रियल नंबर, दैट मींस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, क्यों यहां पे रियल नंबर क्यों दिया, क्योंकि ये जितने भी सारे हैं स्टूडेंट्स, 0 से 1 के बीच लाई करता है, क्या करता है स्टूडेंट्स, तो 0 to 2 बीच में, 0 to 1 के बीच लाई करता है, यानी और रियल नंबर के लिए ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इफ कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 2x + 1, देन स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, दूसरा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 3 1 माइनस एक्स है ना, तीसरा स्टूडेंट एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स, ठीक है, और फोर्थ वन है स्टूडेंट्स एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस। देखिएगा बेटा, ठीक है ना, कि लेट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने पास जो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, तो अपने पास देखते हैं स्टूडेंट्स है ना, कि किस तरीके से चलना है, तो लेट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि t इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो स्टूडेंट्स, क्या कर दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दीजिए, तो टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, तो देखिए द स्टूडेंट एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 1 है ना, या एक्स माइनस 1 माइनस, अपने पास क्या कर लोगे स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 1, तो देखिए तो से कट गया है ना, यानी t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू 2x - 2, यानी ये कट गया स्टूडेंट्स, तो माइनस एक्स क्या आ रहा है डियर, तो माइनस एक्स आ रहा है ना, यानी अब अपने पास से स्टूडेंट्स क्या करना है, ठीक है, कि अब अपने पास से अगर इसको ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, t के फॉर्म में ले लेते हैं ना, एफ ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, यानी एफ ऑफ टी, तो देखिए तो स्टूडेंट्स टी जब है तो कितना रखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा है ना, तो टी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1, यानी स्टूडेंट्स अपने पास एफ ऑफ टी तो 2t + 2 + 1 - t अपॉन स्टूडेंट्स 1 - t, दैट मीन्स देखिएगा तो टी प्लस 3 अपॉन 1 - t, यानी अब स्टूडेंट्स यहां से ले लीजिए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स प्लस 3 अपॉन 1 - x, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स,
तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी अपने पास एक कंपोजिट फंक्शन का हमने निकाला स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास देखिए कंपोजिट के फॉर्म में ही दिया हुआ था तो उसको एफएक्स फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था स्टूडेंट्स? तो हमने इस पूरे को टी सब्स्टिट्यूट, टी मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट? टी मान लिया, है ना। यानी टी को एक्स के वैल्यू के फॉर्म में बदल दिया, एक्स को फ्री कर दिया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि एक्स इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन वन माइनस टी, और इसको जो दिया हुआ था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। यानी जब भी रहेगा ना स्टूडेंट्स इसके अंदर कोई भी फंक्शन के फॉर्म में, तो टी एम पी क्यू आर के फॉर्म में ले लेना है, और ये जो होगा इसको इंडिपेंडेंटली एक्स कर देना है। क्या कर देना है? एक्स कर देना, ठीक है। लिख लीजिए, यानी यहां से देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि एफ सच दैट ए टू बी, है ना, एंड यहां से दिया हुआ स्टूडेंट ए टू बी, ठीक है, एंड जी सच दैट बी टू सी, जहां पे एफ एक्स है डिफाइंड स्टूडेंट्स। एफ एक्स क्या डिफाइंड है? तो टू एक्स है, और जी एक्स डिफाइंड है स्टूडेंट्स अपने पास एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब यहां से देखना स्टूडेंट्स लेट, अब लिख रहा है देन फाइंड फॉग गॉफ एंड फॉग इफ एग्जिस्ट, क्या स्टूडेंट? जब एग्जिस्ट करेगा तो। यहां से हम जो पढ़े हैं स्टूडेंट्स, यहां से देखिए कि दिस वन और हमारा दिस वन है स्टूडेंट्स ए बी सी। तो यहां से ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास जी ऑफ एफ एक्स रख रहे हैं, ठीक है। यानी ये है स्टूडेंट्स अपने पास, चलिए ले लेते हैं कि अगर वन लेते हैं स्टूडेंट्स तो टू, अगर आप टू लेते हैं तो फोर, ठीक है। यहां से देखते जाइए आप कि एफ एक्स इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स? टू एक्स है ना। थ्री लेते हैं स्टूडेंट्स तो अपने पास सिक्स लेते हैं तो क्या आ रहा स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां से जब इसमें डाल रहे हैं, अगर टू ले रहे हैं तो सेवन, अगर स्टूडेंट्स फोर ले रहे हैं तो नाइन, सिक्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स इलेवन, एंड एट ले रहे हैं तो थर्टीन, ठीक है। अब यहां से देखना है स्टूडेंट्स कि हमने जो बोला था कि अगर आप निकाल रहे हो गॉफ, क्या निकाल रहे हो स्टूडेंट्स? तो गॉफ निकाल रहे हो, गॉफ निकाल रहे हो। तो इस कंडीशन में हमने बताया था स्टूडेंट्स कि प्रॉपर्टीज में जो एफ एक्स का रेंज होगा, जो एफ एक्स का रेंज होगा वो जी एक्स के डोमेन के सबसेट होगा, जो जी एक्स के डोमेन का सबसेट होगा। यानी यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो अपने पास क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और कोडोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो जो जी ऑफ एफ एक्स का, जो जी एक्स का कोडोमेन होगा वही जी ऑफ एक्स का कोडोमेन होगा। तो ये तो कर ही कर रहा है स्टूडेंट्स, यानी यहां से रख रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ वन, दैट मीन्स स्टूडेंट जी ऑफ कितना? टू, दैट मीन्स टू के लिए क्या दे रहा है? तो सेवन। इसी तरह से देखना है स्टूडेंट्स कि अपने पास जी ऑफ एफ ऑफ टू है ना, तो स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है? जी ऑफ एफ ऑफ टू कितना दे रहा है? फोर, जिसके लिए क्या है? सेवन है। यहां से फिर देखिए स्टूडेंट्स कि जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, तो थ्री के लिए कितना दे रहा है स्टूडेंट? जी ऑफ एफ ऑफ सिक्स, और सिक्स के लिए कितना मिल रहा है? तो अपने पास देख लीजिए कि इलेवन। यानी जो प्रॉपर्टीज दिए हुए स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है?
सेटिस्फाई कर रहा है, यानी देयर फोर बोलोगे स्टूडेंट्स कि देयर फोर गॉफ इज एग्जिस्ट। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट। देखिए कि गॉफ यहां पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था बेटा जो एफएक्स का रेंज होगा, जो एफएक्स का रेंज होगा वो जीएक्स के डोमेन का सबसेट होगा, तो वो वही दे रहा है स्टूडेंट्स, वो जीएक्स के डोमेन का सबसेट होगा। फिर क्या स्टूडेंट प्रॉपर्टीज में बताया था कि जो जी एफएक्स का रेंज होगा यानी कोडोमेन होगा, वही जीएक्स का भी कोडोमेन होगा। अगर उतना हो रहा है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तब एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अपने गॉप लिखा स्टूडेंट्स, तो गॉप का डोमेन ए है ना, यानी यहां से बोलोगे स्टूडेंट्स कि जी ऑफ एफ एक्स ए टू सी, यानी ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, डोमेन ऑफ गॉप, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो कोडोमेन ऑफ गॉप, ये भी कोडोमेन ऑफ क्या हो गया स्टूडेंट्स, गॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स फॉग आपको निकाल लेना है, ए क्या बोलते हैं, फॉग आपको निकाल लेना है, एग्जिस्ट करेगा तो होगा, अदरवाइज आप नहीं निकालोगे। ठीक है, देखना स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और आपको दिखा रहा हूं, एफ सच दैट टू थ्री फोर फाइव, तू देखेगा स्टूडेंट्स थ्री फोर फाइव नाइन है ना, एंड स्टूडेंट्स अपने पास है जी थ्री फोर फाइव नाइन, ठीक ना, थ्री फोर फाइव नाइन टू सेवन इलेवन फिफ्टीन, एंड स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है एफ ऑफ टू के लिए थ्री है, एफ ऑफ थ्री के लिए फोर है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ थ्री के लिए क्या है, तो ये फोर है ना, एफ ऑफ थ्री के लिए फोर है स्टूडेंट्स, और एफ ऑफ फोर इक्वल टू एफ ऑफ फाइव इक्वल के लिए क्या स्टूडेंट्स, फाइव दिया हुआ है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अपने पास ठीक है जी ऑफ थ्री इक्वल टू जी ऑफ फोर के लिए क्या स्टूडेंट सेवन, एंड जी ऑफ फाइव इक्वल टू जी ऑफ नाइन इक्वल टू इलेवन। अब निकालना स्टूडेंट, देन फाइंड देन डिटरमाइन देन फाइंड द डोमेन ऑफ क्या गॉफ एंड फॉग इफ एग्जिस्ट है ना, यानी यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स जब एग्जिस्ट करेगा तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, तो अब सच दैट टू थ्री फोर फाइव है ना, टू थ्री फोर फाइव नाइन जी सच दैट थ्री फोर फाइव नाइन टू क्या स्टूडेंट सेवन इलेवन फिफ्टीन। देखिए स्टूडेंट दिया हुआ एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री और एफ ऑफ थ्री इक्वल टू फोर, एफ ऑफ फोर इक्वल टू एफ ऑफ फाइव इक्वल टू फाइव राइट, यानी अब यहां से स्टूडेंट दिया हुआ है कि जी ऑफ थ्री इक्वल टू जी ऑफ फोर इक्वल टू सेवन एंड जी ऑफ फाइव इक्वल टू जी ऑफ नाइन इक्वल टू इलेवन। क्या है स्टूडेंट्स, तो इतना अपने पास दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो अब स्टूडेंट्स डिटरमाइन करना है जब वो फॉग और गॉफ एग्जिस्ट है। ठीक है, तो अब अपने पास देखते हैं स्टूडेंट्स कि गॉफ है ना, गॉफ चलना है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, तो देखिए तो स्टूडेंट जी ऑफ यहां से क्या ले लेंगे एफ ऑफ टू, अब ये एफ ऑफ टू कितना दे रहा है तो थ्री, और ये जी थ्री कितना दे रहा है स्टूडेंट्स
तो जी थ्री कितना दे रहा है? 7। यानी जी थ्री कितना दे रहा है स्टूडेंट्स? तो 7 दे रहा है। इसी तरह से लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या बोलोगे, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, है ना, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि क्या मिल रहा है, ए जी फोर, और जी फोर कितना दे रहा है? तो 7 दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट? 7। यानी इसी तरह से स्टूडेंट जी ऑफ एफ ऑफ ले सकते हो 4। तो यहां से क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? जी फाइव। एंड जी फाइव के लिए क्या बोल सकते हो? तो जी फाइव, देखिए जी फाइव क्या दिया हुआ है? 11। क्या दिया हुआ है? 11। यानी यहां से स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ गॉफ इज कितना? तो 2, 3, 4, 5। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपने पास क्या लिख दोगे? 7, 11, 15। यानी ये स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है ना, ए एग्जिस्ट कर रहा है। यानी हमने क्या बताया था स्टूडेंट्स कि गॉफ निकालने के लिए जो एफ एक्स का रेंज होगा, जो एफ एक्स का रेंज होगा, है ना, जो एफ एक्स का रेंज होगा वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स होगा जो सेटिस्फाई कर रहा है, और जो जी एफ एक्स का, जो जी ऑफ एफ एक्स का को डोमेन होगा वही जी एक्स का को डोमेन होगा, तो वो भी क्या कर रहा है स्टूडेंट? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो गॉफ एग्जिस्ट हो गया। अगर गॉफ एग्जिस्ट हुआ तब भी हम को डोमेन और डोमेन निकाले, उसके बाद गॉफ एग्जिस्ट किया, राइट।